एवरी वन वेलकम टू करंट क्रंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्पेशलाइजेशन पार्ट के ठीक है अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इसमें मैं वीडियोस लेके आती हूँ सुपरवाइजर एग्जाम के रिलेटेड आपका जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है वो आ, हमारा ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट कवर हो गया है एंड कल से मैंने इसमें जीके सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करी है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो अगर आपको सारा मटीरियर चाहिए सारे वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरी चैनल को एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर मैं पी वगैरह टेस्ट सीरीज़ एंड आपके जो स्कीम्स का है उसकी भी पीडीएफ अपलोड करती हूं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें यहां पे आपको काफी बेनिफिशियल मटेरियल मिलेगा ठीक है तो आज हमें स्टार्ट करना है हमारा यूनिट थर्ड सोशल इवेंट चाइल्ड अब्यूज ये हमने ऑलरेडी इसमें चाइल्ड राइट्स में काफ़ी बातें हमारी हो गई हैं जिसमें चाइल्ड राइट्स के बारे में ठीक है इंटरनेशनल फोरम की एंड इंडिया की स्पेसिफिकली वो भी हमने डिस्कस करे हैं इसमें काफ़ी एक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं चाइल्ड राइट्स को लेके जिसमें काफ़ी फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ को रोका गया है आज जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका वो हम चाइल्ड अब्यूज़ वाले टॉपिक में कवर करेंगे ठीक है तो दिस इज़ मी कुरत मलिक तो आप ज्वाइन करें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर मेरी चैनल को करण क्रंच तो जो लोग मुझे पूछ रहे थे मेरी प्रोफाइल के बारे में i am an engineer and a research scholar in sociology qualified ugc net sociology and also i've got 6 plus years of teaching of experience in teaching and i've taught it online platforms like study iq and academy ab uh, wahan se aap meri profile jo hai wo dekh sakte hain theek hai to hum start karte hain aaj ka topic child abuse ठीक है तो चाइल्ड अब्यूज तो चाइल आपको पता है क्या है हम मुझे इस स्टेट इस आर, कीवर्ड को एक्सप्लेन करने की आगे जरूरत नहीं है चाइल्ड के साथ आप किसी भी तरीके की इल ट्रीटमेंट अगर करते हो दैट इज अब्यूज़ ठीक है वो अब्यूज फॉर्म्स फिर वेरियस हो सकते हैं सेक्शुअल अब्यूज हो सकता है मेंटल अब्यूज फिजिकल अब्यूज तो डब्ल्यू एच ओ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इन्होंने कहा है चाइल्ड की अगर माल ट्रीटमेंट करते हैं विच इज यल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड उसमें क्या इंक्लूड होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल इल ट्रीटमेंट सेक्शुअल अब्यूज़ निग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन जो रिजल्ट करता है एक्चुअल और पोटेंशियल हार्म में किस को हार्म करता है बच्चे के हेल्थ को डेवलपमेंट को डिग्निटी को तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको डब्ल्यू एच ओ ने बोली है इंडिया में चाइल्ड अब्यूज़ को डिफाइन किया है आपके जस्टिस जुविनाइल एक्ट 2015 ने ये एक्ट हमें ऑलरेडी कवर किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में तो अगर आपने अभी तक चाइल्ड राइट्स वाला वीडियो नहीं देखा है वो दो पार्ट्स में कवर हुआ है वो दोनों पार्ट्स आप देखें तो आपको वहां पे चाइल्ड राइट्स के बारे में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और काफी इसका जो एक्ट वाला पार्ट है एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वो हमने वहीं कवर कर लिया है चाइल्ड अब्यूज लॉज दे लिव ऑन सिविल स्टेट एंड लोकल लेवल्स तो सिविल लेवल स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल क्या होता है बेसिकली एक तो स्टेट हुआ आपका जो लॉज स्टेट लेके आएगी जैसे आपकी जो लॉज यूनियन गवर्नमेंट से आएंगे आपका जो सेंट्रल पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है एंड देन आपका जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा ठीक है हम लोकल लेवल पे क्या होता है जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटीज कुछ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज सेटअप करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज वगैरह उन्होंने सेटअप की तो वो लोकल लेवल में आ गया एंड सिविल लेवल में कैसे हम चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज के जो हैं उनको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए ठीक है उनकी रिहेबिलिटेशन वगैरह कैसे होनी चाहिए उनका आप रिहेबिलिटेट कैसे करोगे तो वो सारी जो बातें हैं उसको हम बोलते हैं वो सिविल लेवल के अंडर आता है तो जब चाइल्ड अब्यूज़ की बात होती है वो हम बोलते हैं कि उसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपके सिविल लेवल पे स्टेट लेवल पे एंड लोकल लेवल पे ठीक इसीलिए बोला जाता है टू फिफ्टी स्टाचूट्स जो हैं इंडिया में वो आ, ऐसे स्टैचूस बने हुए हैं जो इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली चिल्ड्रेन को अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दोगे यहाँ पर टू एक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर टू फिफ्टी लिखा है तो स्टाचू क्या होता है ये एक वाइडर टर्म है आपके एक्ट से ठीक है एक्ट आप बोल सकते हो एक पार्ट होता है स्टैच्यूट का स्टैट्यूट्स में आपके एक्ट आते हैं ठीक है बाकी लेजिसलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ठीक है रेगुलेटरी लॉज तो काफी सारी चीजें होती हैं स्टैचूस के अंडर आती हैं और एक्ट भी एक पार्ट है किसका स्टैचूट का ही तो यहाँ पे हमने स्टैचूट यूज किया है अगेन आपको इससे भी क्लियर हो रहा होगा जब हम चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं तो लोकल लेवल पे भी कुछ चीजें होती हैं हम सिविल लेवल पे भी होती हैं एंड स्टेट लेवल पे भी होती हैं इंडिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज जो हैं ठीक है हमारे पास आ, एक तो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ जो ऑलरेडी हैं जो हमने आधे डिस्कस करे हैं आधे हमें करने हैं उसके अलावा जो जहां बातें चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके होती हैं वो है आपका आईपीसी पी सी वन एटीन सिक्सटी इंडियन पीनल कोड जिसमें काफी ऑफेंस आने उनकी पनिशमेंट्स वगैरह वो डिस्क्राइब की जाती हैं इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन ये एविडेंस एक्ट है लेकिन इसमें भी चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात हुई है एंड आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नाइनटीन इसमें भी चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात हुई है तो अगर एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शन दिए जाए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो किस किस चीज से रिलेटेड है तो ऐसा ना हो आप वहाँ पे सोचो नहीं वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिया हो जो डायरेक्टली रिलेटेड हो कोई एक्ट का नाम जैसे जुवेनाइल जस्टिस जुवेनाइल डायरेक्टली रिलेटेड तो आपको लगेगा वही इसका आंसर होगा नहीं इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन में उन एक्ट्स के अलावा जो हम यूजुअली एक्ट फॉलो करते हैं इन तीनों में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात हुई है ठीक है तो ये आपको याद रखना है अब हमारा डिफाइन कौन करता है चाइल्ड अब्यूज़ वो डिफ़ाइन करता है जोविनाइल जस्टिस 2015 वो कहता है कोई भी फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल और इकोनॉमिक माल ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड जो है वो उसका अब्यूज़ है सिर्फ उसमें फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं आएगा अगर आप इमोशनल अब्यूज़ करोगे बच्चे का जैसे इमोशनल अब्यूज़ में एक्सट्रीम केसेस में जाओगे तो अबेटमेंट टू सुसाइड बच्चे को खुदकुशी करने पे भी मजबूर करोगे तो वो स्टार्ट कहां से होगा वो सुसाइड करना उसके इमोशनल अब्यूज से तो इसकी भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है ठीक है इसमें निगलेक्ट करना बच्चे को उसको छोड़ देना अबेंडनमेंट ऑफ द चाइल्ड उसको एक्सप्लॉइट करना या कोई भी हार्मफुल ट्रीटमेंट जो आप बच्चे के साथ करोगे सारा इसमें इंक्लूडेड है अब देखो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके जस्टिस ज्यूवनाइल एक्ट पढ़ा हमने जो भी लेबर लॉज एंड लेबर इश्यूज चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके क्योंकि लेबर वाइज भी आप चाइल्ड को अब्यूज कर सकते हो ना डोमेस्टिक अब्यूज भी होता है चाइल्ड का वो भी हमने सारा स करा हमने जो मैरिज मैरिटल रिलेटेड है प्रोटेक्शन लॉज वो भी हमने देखे चाइल्ड के रिलेटेड एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बने हुए हैं वो भी हमने देखे ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी करी हैं ये भी आपके चाइल्ड अब्यूज़ का ही पार्ट है तो यहाँ पे रिपीट करना कोई सेंस नहीं बनाता है तो आपको क्या करना है आप इन चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है तो आई वुड सजेस्ट जो मैं पी अपलोड करती हूँ टेलीग्राम में आप उसके भी शॉर्ट पॉइंटर्स बनाओ जो जिसके आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे क्योंकि काफ़ी ये है काफी आपको ईयर्स याद रखने होंगे एक्ट के अकॉर्डिंग एंड कौन सी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुई थी किस ईयर में तो अगर आप टेबुलर या फ्लो चार्ट फॉर्म में ये अपने नोट्स खुद से बनाओगे तो वो आपको रिविजन के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा तो इसमें काफी बातें हमने पढ़ ली हैं जो मेन आज हम पढ़ना पढ़ेंगे यहाँ पे वो है आपके चिल्ड्रन चाइल्ड अब्यूज में सेक्शुअल अब्यूज से रिलेटेड सेक्शुअल अब्यूज से रिलेटेड इंडिया का जो सबसे बड़ा और इस टाइम पे एक्ट गवर्न करता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट जिसको शॉर्ट में पॉक्सो बोलते हैं जो पास किया था पार्लियामेंट में ने ईयर 2012 में और किस मिनिस्ट्री ने वो लाया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो उस टाइम पे कौन थी इनकी स्मृति ईरानी मैं तुलसी विरानी लिखने वाली थी जो वो सीरियल देखते होते पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला तो स्मृति ईरानी ठीक है वो उस टाइम पे उनकी मिनिस्टर थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो लेके आए थे ये पॉक्सो एक्ट 2012 में तो सेक्शुअल अब्यूज़ का जो एक्ट है सबसे बड़ा एक्ट इंडिया का यही है बाद में इसको अमेंड किया गया 2019 तो ये हम डिटेल में इसके फीचर्स सिग्निफिकेंस एंड इसके अमेंडमेंट जो है वो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जहां चाइल्ड अब्यूज़ की बात आती है वहां चाइल्ड का सेक्शुअल अब्यूज़ एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में एंड उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट आपका बनता है पॉक्सो एक्ट ठीक है तो अभी पॉक्सो एक्ट मैंने कहा 2012 में लाया उससे पहले क्या गवर्न करता था चाइल्ड प्रोटेक्शन को वो गवर्न करता था गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 ये याद रख लेना ये पूरे इंडिया के लिए था पूरा इंडिया जो था वो यही फॉलो करता था गोवा चिल्ड्रंस एक्ट टू इसमें भी पनिशमेंट वगैरह की बातें हुई थी ठीक है एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपको बनानी है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सेंटर जो है आपको सेटअप करने हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो गोवा चिल्ड्रेंस एक्ट टू में भी इंक्लूडेड थी और चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज जो है इसको और कहां -कहां पे इसकी बात हुई है कहाँ पे इसकी पनिशमेंट स्पेसिफाइड है अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड इंडियन पीनल कोड आई पी सी वन एटीन सिक्सटी ये टर्म आप बार बार यहाँ पे देखोगे ये एक दो जगह हमें डिस्कस करनी है तो 1860 का जो सेक्शन 375 है वो रेप के बारे में बात करता है 354 फिफ्टी फोर आउट रेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन एंड थ्री अगर कोई अननेचुरल ऑफेंस करेगा फॉर एग्जाम्पल कोई सेक्शुअल कॉन्टैक्ट करेगा किसी बच्चे के साथ आदमी के साथ या किसी जानवर के साथ तो वो सारी चीज़ें अन नैचुरल ऑफेंसेज में आती हैं एंड वो आईपीसी के फॉलोइंग सेक्शंस हैं ये थोड़ी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो काम आएगी तो देखते हैं पॉक्सो एक्ट क्या कहता है ये एक्ट लाया था 2012 में ठीक है एड्रेस करने के लिए जो बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन हो रही थी या उनका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था तो उसके लिए कुछ लीगल प्रोविजंस लाए थे थ्रू दिस एक्ट 2012 एक्ट ऑफ 2012 ठीक है दैट मीनस कुछ उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी देन फर्दर इसको अमेंड किया गया था टू में एंड जो पनिशमेंट थी जो भी क्राइम्स कमिट करेंगे उन पनिशमेंट को ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बनाया गया था थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट तो ये जो एक्ट है इसमें किस किस चीज़ से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है सेक्शुअल असल्ट से पोर्नोग्राफी से सेक्शुअल हरासमेंट से और इस्टेब्लिश किए जाते हैं स्पेशल कोर्ट्स जिनको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोलते हैं वो हम आगे हमें देखना भी है ठीक है ताकि स्पीडी ट्रायल हो इन ऑफेंसेस का कि ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़ कहीं पे हो गया सेक्सुअल सेक्शुअल किसी बच्चे के साथ और काफ़ी सालों तक आप कोर्ट में वो केस लटकाओगे नहीं इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बने थे जिनको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोलते हैं जहां पे इन केसेस को जल्दी हैंडल करने के लिए एक प्रोविजन बना था तो फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के ये एक्ट डिफाइन करता है चाइल्ड बिलो 18 इयर्स बोथ गर्ल एंड बॉय तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग क्या एज है 18 साल से कम ठीक है लड़का एंड लड़की दोनों के लिए ये एड्रेस करता है ऑफेंसेस जैसे कंप्लीट एंड पार्शियल पेनिट्रेशन कि वो एक्ट जिसमें पेनिट्रेशन हुई है कि नहीं नॉन पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट कि आपने सिर्फ टच करके फिजिकली ऐसे किसी को असोल्ट किया है लेकिन पेनिट्रेशन नहीं हुई है उसकी अलग पनिशमेंट है शोइंग पोर्नोग्राफी ऑफ चिल्ड्रन की बच्चों के आप पॉन मूवीज वगैरह बनाओ टॉकिंग अ चाइल्ड बच्चे को स्टॉक करो ठीक है एक्जीबिशनिज्म चाइल्ड दैट मीन्स जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं बच्चों के जेनेटल एरिया उनको वैसे गलत तरीके से वो दिखाओ ठीक है या कोई गलत मटीरियल सेक्शुअल एक्सप्लेसिट सेक्शुअल मटीरियल जो है उनको उसका एक्सपोजर दो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये लॉ प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को एक कॉन्टैक्ट सेक्शुअल अब्यूज़ से भी या नॉन कॉन्टैक्ट सेक्शुअल अब्यूज़ से भी दैट मींस नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा वो ऑनलाइन अब्यूज़ फॉर एग्जाम्पल जिस जिसमें आपका स्टॉकिंग वगैरह भी आ सकता है कि ऑनलाइन भी आप स्टॉक कर सकते हो बच्चों को तो वो 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 सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं कॉन्टैक्ट ने आपका फिजिकली टच वाला भी आता है एंड पेनिट्रेशन नॉन पेनिट्रेशन को अलग अलग पनिशमेंट्स दी गई हैं क्योंकि स्पेसिफिकली एक्ट में सारे टर्म्स एंड की मेंशन है इसलिए एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी कीवर्ड आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये आ, इसके फीचर्स इट प्लेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द विक्ट देखो इसका क्या मतलब हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑल दो उनको लॉयर्स वगैरह मिलते हैं जो ये केस जो अच्छे से हैंडल करते हैं लेकिन अगर कोई केस होगा जिसका एविडेंस पूरा उनके पास नहीं है या उनको विटनेस के लिए बच्चे से बात करना जरूरी है बच्चे के से कुछ सवाल पूछना जरूरी है तो उस केस में वो बर्डन ऑफ प्रूफ हम बोलते हैं विक्टम पे है दैट मीन्स प्रूव करना कि उसके साथ कुछ हुआ है ठीक है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टम पे आता है ऑल दो ये पूरा करेक्ट नहीं है ये स्टेटमेंट क्योंकि इसमें आपको प्रोसिक्यूशन वगैरह वो मिलता है सारी फैसिलिटीज़ होती हैं एनजीओ होते हैं साथ में जब बच्चे से सवाल वगैरह पूछते हैं तो उसको गलत तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ को आपको नहीं लेना है लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप ये नहीं सोचना कि जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सोचेगा कि नहीं बच्चे के साथ अगर कुछ हुआ है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ बच्चे पे कहाँ डालेंगे लेकिन ये एक्ट में मैंशनड है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो विक्टम पे होगा आप खुद ही सोचो अगर ऐसा कोई एक्ट हो गया है अब एक्ट को प्रूव करना है उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी कुछ क्वेश्चन आंसरिंग होगी ठीक है वो बच्चे के साथ भी करने पड़ेंगे बच्चे को पूछना पड़ेगा चीजों के बारे में तो इसीलिए बोला जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो विक्टिम पे है जनरली आप समझ गए ना बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि अपना जो जो भी आपने किसी को अक्यूज किया है किसी क्राइम के लिए उस क्राइम को बाद में प्रूव करना अगर वो विक्टम पे वो प्रूफ है दैट मीन्स विक्टम को खुद प्रूव करना पड़ता है कि हाँ वो क्राइम हुआ है या अगर पुलिस पे है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से वो चीज प्रूव कर सकती है अब इस केसेस में क्या होता है पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी क्या विटनेस होगा आपके पास ठीक है क्या प्रूफ होंगे तो वो सारी चीजें जो है वो गलत हो सकती हैं। फाइन तो इसमें कोई भी ऐसी गलती ना हो इसीलिए विक्टिम को भी इन्वॉल्व किया जाता है एज प्रूव करने के लिए कि हाँ मेरे साथ कुछ हुआ है इसीलिए बोला जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द विक्टिम इट डज नॉट रिकोगनाइज कंसेंशुअल एक्ट अमंग चिल्ड्रन और बिटवीन एन अडल्ट एंड अ चाइल्ड अब कंसेंशुअल सेक्शुअल एक्ट कोई अगर बोलेगा बच्चे ने अपनी मर्जी से ये एक्ट किया है ये वो चीज नहीं मानता है कि अगर बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें बच्चे का कंसेंट था या नहीं वो चीज कंसिडर नहीं की जाती है आप इस चीज में क्रिमिनल माने जाओगे ठीक है दिस एक्ट रिप्रेजेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेज को आपको जरूरी रिपोर्ट करना ये भी इस एक्ट में, में, में है And the the act specifies that the case of of a a child sexual abuse must be disposed of within a year, एक साल के अंदर -अंदर आपको जो इस एक्ट के, तो के जो आपको याद रखने हैं और ये सारी जो यहाँ पे चीजें हैं ये हमें आगे डिटेल में देखनी है अब देखो पॉक्सो एक्ट आपको क्लियर हो गया क्या था क्यों लाया गया था पहले कौन सा एक्ट था उसके लिए उसकी जगह पहले कौन सा एक्ट था एंड अमेंड करके इसको 2019 में फर्दर और uh, की जो पनिशमेंट वगैरह थी वो स्ट्रांग बनाई अब कैसे स्ट्रांग बनाई उसके लिए हमें सेपरेटली कुछ सब हेडिंग्स पढ़नी होंगी जैसे ठीक है तो एक्ट के अंडर क्या आता था कि अगर किसी ने पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट किया है उसकी पनिशमेंट होगी सात साल से टू लाइफ इनप्रिजनमेंट और उसको प्लस फाइन देना होगा ठीक है ये हो था आपका 2012 वाला एक्ट ठीक है अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है उसने क्या किया उसने मिनिमम पनिशमेंट को इनक्रीज किया सेवन टू टेन ईयर्स दैट मीनस 2019 में क्या चेंज आई अगर किसी ने क्राइम कमिट किया है दैट इज अ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज ऐसा कुछ क्राइम किया है तो उसकी मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे क्या थी है सेवन यहाँ पे होगी टेन ईयर्स तो आप उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हो ठीक है तो ये इसमें चेंज आई थी तो ऐसे करके आपको टेबुलर फॉर्म में इसको अपने नोट्स में लिखना है आप ऐसे दो कॉलम बना सकते हो 2012 एंड 2019 यहाँ पे आप लिख सकते हो मिनिमम पनिशमेंट क्या थी सेवन यहां पे क्या है टेन मैक्सिमम लाइफ यहाँ यहां भी मैक्सिमम लाइफ इंप्रेजनमेंट ठीक है और एक चीज इस अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड की है अगर कोई इंसान कमिट करेगा पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट एक बच्चे पे जिसकी एज होगी बिलो सिक्सटीन ईयर्स उसको पनिश किया जाएगा विद इम्रेजनमेंट बिटवीन ट्वेंटी ईयर्स टू लाइफ ठीक है एक तो यहाँ पे जनरल टेन ईयर्स किया लेकिन अगर सोलह साल से कम है तो वो मिनिमम का क्या बन जाएगा टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स टू लाइफ इन ठीक है तो ऐसे करके आपको ये जो है पॉइंटर फॉर्मेट में लिखना होगा स्टेटमेंट्स में अगर ऐसे लिखोगे तो रिविजन में फिर आप क्विकली एग्जाम में चीजें रिकॉल नहीं कर पाओगे आपको ऐसे करके बनाना है 2012, 2019, फिर 19 में आपको यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हो बिलो 16 अगर होंगे अगर लेस देन 16 होंगे तो क्या पनिशमेंट होगी 20 इयर्स, अगर, अगर अ, मोर देन 16, तो आपका 10 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 20 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस एक फाइन और 2012 में क्या आएगा आपका मिनिमम 7 इयर्स टू लाइफ इन इंप्रिजनमेंट ठीक है प्लस फाइन तो ये है आपका ये किस केस में होगा पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट इसमें हमें दो तीन सब हेडिंग्स पढ़नी है इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है आगे देखते हैं एग्रिग्रिवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट ठीक है अब वो क्या होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हमने देख लिया ठीक अब जहां पे भी टर्म एग्रीवेटेड आप देखोगे आगे और आप एक दो जगह देखोगे तो वहां पे क्या किया है जो इंसान कैटेगरी बढ़ाई है उसको एग्रीवेटेड कब बोलते हैं अगर इसमें क्रिमिनल जो होगा वो कोई पुलिस ऑफिसर होगा कोई आर्मी का मेंबर होगा आर्म्ड फोर्सेस का या कोई पब्लिक सर्वेंट होगा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा ठीक है अगर ऐसे किसी इंसान ने ये क्राइम किया तो उसको बोलेंगे हम एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्शुअल तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर मेंबर ऑफ फोर्सेस ठीक है एंड और ए पब्लिक सर्वेंट अगर ये करेंगे तो इनको बोलते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट ठीक ये आपके दो हजार बारह वाले एक्ट में मैंशन था इट ऑल्सो कवर्स वेयर ऑफेंडर इज अ रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड और इफ द असॉल्ट जो है या तो वो रिलेटिव होगा चाइल्ड का ठीक है प्लस एक तो ये सारे कैटेगरीज प्लस क्या अगर किसी रिश्तेदार ने किया और असॉल्ट में बच्चे के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो इंजर्ड हो गए या चाइल्ड जो है बिकम्स प्रेग्नेंट तो ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूडेड हुई तो वो क्या आएगा आपका एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शल असोल्ट ठीक है मैं आहिस्ता सा आहिस्ता पढ़ा रही हूँ एंड बार बार ये बातें बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए फाइन ये सब चार पांच कैटेगरीज के, के बाद हम एक इसका क्विक एक रिविजन भी करेंगे तो आपको वो टेंशन नहीं लेंगे तो ये जो बिल आई थी जो बाद में अमेंडमेंट एक्ट बना था उसने इसमें दो चीज़ें और ऐड की कि अगर उस असोल्ट से बच्चे की डेथ हो जाए या वो असोल्ट ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलामिटी किया हो या ऐसा ना हो कि फ्लड आ गया कहीं पे या भूचाल आ गया तो फिर रिलीफ टीम वहां पे जाती है ना वो टीम जाके किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा गलत काम करे तो वो कैटेगरी भी यहाँ पे लाई है कि किसी नेचुरल कैलामिटी और इन एनी इन सिमिलर सिचुएशन ऑफ वायलेंस ऐसा ना हो जैसे कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वॉर चल रही है वहां पे पुलिस आ जाए और पुलिस और बच्चों के साथ ऐसा करे तो ये दो कैटेगरी जो है इस टू अमेंडमेंट में इसमें ऐड करी थी क्या कैटेगरीज पहली की अगर असोल्ट से बच्चे की डेथ हो जाए सेकेंडली अगर वो असोल्ट किनी नेचुरल कैलॉमिटी या सिचुएशन ऑफ वायलेंस के टाइम पे किया गया हो सिचुएशन ऑफ वायलेंस ठीक है तो वो 2019 में ऐड किया गया था जो पनिशमेंट थी पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट की इज इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 10 fine, की, उसको इंक्रीज किया था पेनल्टी हमने अभी तक पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट में नहीं देखा ये आपका में आता है कि अगर वो अमेंडमेंट में क्या किया था पहले क्या था टू थाउजेंड ट्वेल्व में कि एज क्या क्या कितनी इम्प्रेजनमेंट मिलेगी टेन ईयर्स की और लाइफ इम्प्रेजनमेंट फिर 2019 में क्या चेंज लाई उसमें क्या किया? 20 तो ये था आपका एग्रीड्रक्सुअल्टीवेटेड सेक्शुअल वो नहीं लिखा हुआ है इसमें सिंपली एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट लिखा है तो ये ऑब्वियसली आपका नॉन पेनिट्रेटिव वाला हुआ तो इस एक्ट के अंडर सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है इंक्लूड्स एक्शन वेन ए पर्सन टच अ ये फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए चाइल्ड विद सेक्शुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन तो ये एग्रीवेटेड नॉन पेनिट्रेशन सेक्शुअल असल्ट कैटेगरी हो गई ठीक है इसमें क्या होता है ऑफेंडर अगर एग्रीवेटेड में क्या होगा मैंने कहा एग्रीवेटेड में हमने क्या किया कैटेगरीज ऐड की थी तो इसमें भी वही किया है एग्रीवेटेड होंगे अगर ये वाला काइंड ऑफ असोल्ट किसी रिलेटिव ने किया होगा या इस असोल्ट में बच्चे के सेक्शुअल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हुए होंगे ठीक है फिर ये जो अमेंडमेंट लाया था ये जो बात हुई थी ये दो में हुई थी फिर 2019 में जो एक्ट लाया था उस एक्ट में इसमें दो और कैटेगरीज ऐड की थी कि अगर जो असोल्ट होगा वो किसी नेचुरल कैलमिटी के टाइम पे होगा या अगर उस बच्चे के अंदर ऐसा कोई हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस या उसको कोई इंजेक्ट किया गया कोई इंजेक्शन उसको की दिया गया फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग अर्ली सेक्शुअल मेच्योरिटी की बच्चे में एक अर्ली सेक्शुअल मेच्योरिटी आ जाए इस वजह से उसमें कोई हॉर्मोन्स या केमिकल सब्सटेंस जो है इंजेक्ट किए जाएंगे ये किसने ऐड किया ये अमेंडमेंट में ऐड हुआ किस कैटेगरी में आपका एग्रीवेटेड सेक्शुअल असोल्ट कैटेगरी में ठीक है तो ये एक बार आप फिर से देख लो सेक्शुअल असोल्ट ठीक है तो इसमें क्या कहा था इसमें कहा था 2012 में क्या बात हुई थी एंड 2019 में क्या बात हुई थी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 2019 में कहा था जो मिनिमम पनिशमेंट है वो होती है सेवन इयर्स मैक्सिमम इज लाइफ इंप्रिजनमेंट 2019 में कहा था मिनिमम पनिशमेंट इज टेन एंड मैक्सिमम इज लाइफ इंप्रिजनमेंट लेकिन अगर वो लेस देन सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एज है ठीक है लेस देन सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एज के साथ अगर ऐसा हो जाता है पेनिटेटिव सेक्शुअल असल्ट तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट होगी ट्वेंटी एंड मैक्सिमम होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट ठीक है तो ऐसे अगर आप करके याद रखोगे आपको इतनी तरह स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अनरिविजन के लिए भी ईजी हो जाएगा सेकेंड देखते हैं एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट एग्रीवेटेड जहाँ पे हुआ वहाँ पे क्या किया गया कैटेगरीज और एड की गई ठीक है तो इसमें कौन सी कैटेगरी ऐड की गई एक तो आपके पुलिस ऑफिसर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पब्लिक सर्वेंट या कोई रिलेटिव या ऐसा कोई असल्ट जिसमें बच्चे के सेक्शुअल ऑर्गन हर्ट हो जाए या वो बच्चे में क्या आ जाए प्रेगनेंसी आ जाए तो वो टाइप ऑफ क्राइम्स को क्या बोला गया एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट ठीक है और ये आपका टू थाउजेंड ट्वेल्व में बोला गया था टू थाउजेंड नाइनटीन में क्या चेंज लाई इसमें दो और चीजें एड करी गई डेफिनेशन ऑफ एग्रीवेटेड पेनेटेटिव सेक्शल असोल्ट में दैट मीन्स इनको और ब्रॉड बनाया गया इनमें कौन सी कैटेगरी ऐड की गई अगर उस असोल्ट से बच्चे की डेथ हो जाए तो वो जो आ, फिर असोल्ट होगा वो सिर्फ से, नॉर्मल सेक्शल असोल्ट नहीं होगा वो एग्रीवेटेड काइंड ऑफ असोल्ट होगा ठीक है एंड उस असोल्ट जो असोल्ट है वो किसी नेचुरल कैलोमिटी के टाइम पे हुआ हो या किसी सिचुएशन ऑफ वायलेंस के टाइम पे हुआ हो ये हो गया इस एक्ट में कैटेगरीज एड करी गई तो एग्रीवेटेड में दो चीजें हुई एक तो हो गया कैटेगरीज को वाइड किया गया जो आपकी 2012 की कैटेगरीज थी उनको इंक्रीज किया गया 2019 अमेंडमेंट एक्ट में सेकेंडली क्या हुआ अगेन पनिशमेंट की बात हुई पनिशमेंट की तो 2012 में क्या था मिनिमम पनिशमेंट थी 10 इयर्स मैक्सिमम थी लाइफ इंप्रिजनमेंट ठीक है और uh, 2019 में क्या था अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंज किया मिनिमम पनिशमेंट लाई ट्वेंटी की मैक्सिमम डेथ पेनल्टी डेथ पेनल्टी किस में इंट्रोड्यूस की गई एग्रीवेटेड पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट में ठीक है तो ऐसे करके आपको इस नोट्स uh, में ये आपने मैंशन करना है फिर आगे आपका एग्रीवेटेड नॉन पेनीट्रेटिव असॉल्ट कौन सा टाइप ऑफ सेक्सुअल सिर्फ पर्सन टच करेगा इन पार्ट्स को विदाउट पेनेट्रेशन तो एग्रिवेटेड सेक्शुअल असोल्ट जो है ये वो वाले केस uh, इसमें इंक्लूड होंगे जिसमें ऑफेंडर क्या होगा रिलेटिव होगा या सेक्सुअल ऑर्गन इंजर हो गया बच्चे का एटसेट्रा ठीक है और इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया दो और ऑफेंसेस ऐड किए गए एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट में दो और ऑफेंसेस ऐड किए गए टू प्लस वो कौन से थे पहला कि अगर ये असोल्ट किसी नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे होगा ठीक है और सेकेंड क्या चीज की अगर कोई हॉर्बोन या कोई केमिकल सब्सटेंस बच्चे में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि उसमें जल्दी सेक्सुअल मेचोरिटी आ जाए ऑब्वियसली वो किसी गलत रीजन की वजह से ही वो इंजेक्ट जो है बच्चे में किया जाएगा तो ये था आपका एग्रिवेटेड सेक्शुअल एंड नॉन पेनीट्रेटिव फिर इस अमेंडमेंट में और एक बात हुई है वो है पोर्नोग्राफी जो है बच्चों की ये एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है बच्चों के पोर्नोग्राफी को लेके ठीक है तो इसमें कुछ चेंजेस लाई देखो ये जो टेबल है ना ऐसे ही करके आपको आपके अपने जो नोट्स हैं उनमें टेबुलर फॉर्म में ऐसे ही नोट्स बनाने हैं बिलीव में अगर दो चार बार आप रिवाइज करोगे फिर आपको एग्जाम में ऐसे ही सामने नोट्स आ जाएंगे आंखों के सामने कि उस टेबल में मैंने ये लिखा था तो ऐसे स्टेटमेंट से रिवाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है दिस इज़ फॉर यू अंडरस्टैंडिंग ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी फिर आप अपने नोट्स में ऐसे टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो अगर कोई यूज़ करेगा पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए बच्चे को उसका 2012 में मिनिमम पनिशमेंट थी मैक्सिमम पनिशमेंट फाइव इयर्स थी लेकिन 2019 में जो एक्ट लाया उसमें मिनिमम पनिशमेंट फाइव इयर्स की गई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाँच साल सजा होती इसमें कम से कम पाँच साल होगी ठीक है अगर आप यूज़ करोगे उस पोर्नोग्राफिक पर्पस का जो आपने पोर्नोग्राफिक मटेरियल uh, बच्चे का इकट्ठा किया है वो उसकी वजह से बच्चे के साथ सेक्सुअल असोल्ट हो जाए पेनिट्रेटिव टाइप का तो मिनिमम पनिशमेंट दस साल मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड देन दिस इज योर सेम यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोनोग्राफिक परपज रिजल्टिंग इन एग्रीवेटेड पेनेटेटिव सेक्शुअल्टो हमने अभी तक पढ़ा था तो यहाँ पे लाइफ इंप्रेजनमेंट है इसका बच्चे का मैक्मम यहाँ पे मिनिमम ट्वेंटी मैक्म लाइफ इंप्रेजनमेंट और डेथ ये वही सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी है अब यहां पर क्या है बेसिकली ऑफेंस पोनोग्राफिक पर्पज से जो आपने बच्चे का मटेरियल इकट्ठा किया है उससे कौन से क्राइम होते हैं उससे अगर पेनीटेटिव सेक्शुअल असोल्ट होता है उसकी पनिशमेंट जो हमने अभी पढ़ी उससे अगर एग्रीवेटेड पेनेटेटिव सेक्शुअल असोल्ट होता है उसकी क्या पनिशमेंट होंगी ये वही पनिशमेंट है जो हमने

डायग्राम आप यहाँ पे टेबल देख रहे हो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने कॉपी किया है तो ये आपके लिए सबसे ऑथेंटिक डेटा जो है इन चीजों को लेके है ठीक है तो ये आपको याद करना होगा फिर थोड़े बहुत फीचर्स पॉक्सो एक्ट के, के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल है दैट मीन्स इसमें सिर्फ मेल और फीमेल की बात नहीं की गई है इसमें कोई भी जेंडर जो है वो इंक्लूड होगा आपको सिर्फ एज का इसमें ध्यान रखना है ठीक है एक्ट में क्या किया गया है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज डिफाइन किए गए हैं ये हमने अभी देखा वो कैसे डिफाइन किए गए हैं ठीक है थीके? आपको सारे जो काइंड ऑफ सेक्शुअल असोल्ट है पोर्नोग्राफी है सेक्शुअल हरासमेंट है एग्रीवेटेड वाले हैं अगर मेंटली इल चाइल्ड के साथ कोई ऐसा करता है उस केस में क्या होगा वो सारी चीजें आपको पॉक्सो एक्ट में देखने को मिलेंगी ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है इसीलिए मैं इन डिटेल नोट्स बनाए हैं और डिटेल में समझा भी रही हूं यहाँ से आई गेस काफी इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं पीपल हु ट्रैफिक चिल्ड्रन फॉर सेक्शुअल पर्पजेज आर ऑल्सो पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जो बच्चों के क्या करते हैं बाइंग एंड सेलिंग उनकी ट्रैफिकिंग करते हैं वो भी इस एक्ट में इंक्लूडेड है एक्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है उसको भी डिफाइन किया हुआ है ठीक है तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो या वर्चुअली डिपिक्टिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इंडल्जिंग अ चाइल्ड ऐसा कोई मटीरियल uh, दिखाना सेक्सुअल मटेरियल दिखाना जिसमें बच्चा इंक्लूडेड हो ये सारी चीज़ें या फोटोग्राफ या ए आई जेनरेटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप कंप्यूटराइज इमेजेस बनाते हो वैसी अगर कोई इमेज बच्चे की बनाई गई होगी जो गलत इंटेंशन uh, से बनाई गई होगी ठीक है वो सारी चीज़ें आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इंक्लूडेड हैं तो यहाँ पे आपका पॉक्सो एक्ट कम्प्लीट होता है आई नो थोड़ा ये आपके लिए लेंथी हो सकता है क्योंकि इन डिटेल मैंने कवर किया है काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है सबसे बड़ा एक्ट है सेक्शुअल अब्यूज को लेके इसके बारे में काफी न्यूज में भी बात होती रहती है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को आप दो तीन बार देखोगे जब तक आपको दिमाग में सब कुछ रजिस्टर हो जाएगा फाइन ये मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ चीज़ें रिवाइज करने का एक बार दिमाग में रजिस्टर हो गया फिर आपको पी भी बंद करना है एंड ये वीडियोज भी बंद करना है फिर आपको अपनी नोटबुक खोलनी है एंड आपको रिकॉल करना है जो भी आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ है उस मेमोरी से आपको चीजें निकालनी है वो रिकॉल करोगे अपने नोट्स में लिखोगे ठीक है फिर जब रिवाइज करोगे वही चीजें बार बार देखोगे तो फिर आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सीरियसली एग्जाम के को प्रिपेयर करें जो अभी भी इस कंफ्यूजन में है क्या पढ़ें कैसे पढ़ें कैसे रिवाइज करें उनके बारे में फिर मैं क्या ही बोलूंगी इंडियन पिनल कोड 1860 मैंने आपको कहा आईपीसी 1860 हम एक दो जगह डिस्कस करने वाले हैं इसमें भी चाइल्ड अब्यूज को लेके कुछ प्रोसिक्यूशन एंड कुछ डिटेलिंग दी हुई है किन किन केस में क्या ऑफेंस बनता है ठीक है अगेंस्ट चाइल्ड तो वो हम चीजें यहाँ पे देखेंगे सेक्शन एटी ऑफ आई जो है ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस दैट इज एन ऑफेंस डन बाय चाइल्ड अंडर सेवन ईयर्स ऑफ एज सात साल से कम के एज में किया तो कोई ऑफेंस वो नहीं है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को क्या बोला जाता है ठीक है ये एक लीगल टर्म है हो सकता है एग्जाम में कहीं आप टर्म देखो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ ये क्या है इस वजह से मैंने इसमें इंक्लूड किया इसकी स्पेलिंग आपको कहीं पे ऐसी भी मिल सकती है इसका मतलब होता है कि चाइल्ड उस एज में अपने सेंसेस में नहीं होता है समझने के लिए गुड क्या है एंड बैड क्या है तो उसे गलती से भी कोई क्राइम हो सकता है सेक्शन 83 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस दैट इज डन बाय चाइल्ड अब सेवन इयर्स ऑफ एज एंड अंडर ट्वेल्व दैट मींस सेक्शन 82 टू कहाँ तक रिलैक्सेशन देता है सेवन इयर्स तक बच्चे को सेक्शन 83 थ्री ऑफ इंडियन पीनल कोड कहाँ तक रिलैक्सेशन देते हैं सेवन टू ट्वेल्व और सेक्शन एटी में और एक चीज कही गई है ठीक है उन बच्चों को क्या बोला हुआ है डोल इनके पाक्स. एक लीगल टर्म है ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि यू नेवर नो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल कैसा आ जाए जैसा कि अभी रिसेंट एग्जाम्स में देखा गया है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी भी नहीं होते हैं आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी बढ़ानी होगी इंडियन पिनल कोड के और कुछ सेक्शन देखते हैं सेक्शन सेवेंटी फाइव डील करता है विद प पनिशमेंट फॉर क्रूअल्टी टू अ चाइल्ड अगर आप बच्चे के साथ कोई क्रुअल्टी करोगे उस केस में क्या पनिशमेंट होगी सेवेंटी सिक्स कहते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मैंने पहले भी कहा बच्चे को इतना इमोशनल अब्यूज करो कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए वो डील करेगा सेक्शन सेवेंटी सिक्स सेक्शन थ्री हंड्रेड सेवेंटीन के अगर आपने छोड़ दिया है अबेंडनमेंट ऑफ ए चाइल्ड की है बिलो द एज ऑफ ट्वेल्व ईयर्स दैट इज डेल्ट अंडर दिस सेक्शन ठीक है और सेक्शन 366 क्या कहता है कि uh, किसी माइनर गर्ल को आप मजबूर करो टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनादर पर्सन ये इसके अंडर uh, जो है पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 366 ए दिस क्राइम शल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू टेन इयर्स एंड अ फाइन ठीक है फिर आगे आपका सेक्शन 372 सेवेंटी टू एंड थ्री ये एक्ट पीनालाइज करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ माइनर गर्ल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन ठीक है एंड इलिसिट सेक्शुअल दैट मींस इलीगल सेक्शुअल इंटरकोर्स किसी भी अनलॉफुल या इमोरल पर्पज़ के के लिए ठीक है तो इसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है एक्सटेंडेड अप टू टेन इयर्स एंड अ फाइन तो आपको क्या करना है आईपीसी 1860 जो है ये भी चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड जो है बातें बताता है चाइल्ड प्रोटेक्शन चीजें इसमें भी हैं तो आपको लिखना है यहाँ पे अपने नोट्स पे इंडियन पेनल कोड 1860 फिर आप लिखोगे सेक्शन 75 उसके साइड में लिखोगे क्रुएल्टी ठीक है सेक्शन सेवेंटी सिक्स वो लिखोगे आप सुसाइड तो ऐसे करके आप शॉर्ट पॉइंटर फॉर्मेट में अपने नोट्स बना सकते हो एंड uh, आप इसके लिए भी नहीं डरना रिवीजन के लिए क्योंकि जैसे हम आगे आगे चलेंगे मैं रिवीजन सीरीज भी लेके आऊंगी जहां पे क्विक रिवीजन हम चीजें करेंगे और वो आपके एग्जाम से पहले काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो क्रिमिनल लॉ जो अमेंड हुआ था टू में उसमें कुछ सेक्शंस जो है आईपीसी पी एटीन के वो अमेंड हुए थे ठीक है और वो यहाँ पे लिखे गए हैं क्या क्या अमेंडमेंट लाई गई है तो ऐसे ही टेबुलर फॉर्मेट में अगर आप अपने नोट्स भी बनाओगे आपके लिए ईजी रहेगा तो रेप केस अगर बिलो ट्वेल्व ईयर है एंड बिलो सिक्सटीन ईयर्स फिर सिक्सटीन ईयर्स एंड अबव तो बिलो ट्वेल्व ईयर्स अगर आप रेप करोगे रेपेटी uh, का जो सेक्शन है आई पी सी एटीन सिक्सटी उसके अकॉर्डिंग मिनिमम पनिशमेंट थी टेन ईयर्स उसको मैक्सिमम ट्वेंटी किया गया है मैक्सिमम था यहाँ पे लाइफ इंप्रेजनमेंट इसको मैक्सिमम लाइफ इंप्रेजनमेंट और डेथ किया गया है गैंग रेप में मिनिमम ट्वेंटी थी यहाँ पे मिनिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है मैक्सिमम गैंग रेप में लाइफ uh, इंप्रिजनमेंट थी यहाँ पे लाइफ इंप्रेजनमेंट और डेथ पेनल्टी फिर अगर बिलो सिक्सटीन ईयर्स आप करोगे ये बिलो ईयर्स ठीक है तो यहाँ पे कौन सी एज आ गई आपकी ट्वेल्व रेप का मिनिमम टेन ईयर्स मैक्सिमम ट्वेंटी मैक्सिमम लाइफ एम्प्रिजनमेंट मिनिमम नो चेंज गैंग रेप का अब ये कौ, आ गया कौन सा अभी ये ट्वेल्व टू सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एज मिनिमम ट्वेंटी मैक्सिमम लाइफ एम्प्रेजनमेंट और यहाँ पे था मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट इसको किया मैक्सिमम नो प्रोविजन इसका कोई प्रोविजन नहीं रखा हुआ है मैक्सिमम क्योंकि इसमें मिनिमम ही लाइफ इंप्रिजनमेंट दोगे जब किसी को तो जेल में ही सड़ जाएगा वहीं मर जाएगा अगर गैंग रेप किया है ठीक है बिलो 16 इयर्स ऑफ एज किसी बच्चे के साथ दैट इज 12 टू 16 अगर 16 इयर्स एंड अबव रेप हुआ है तो मिनिमम 7 मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम टेन मैक्सिमम नो चेंज मैक्सिमम दैट मीनस आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है इसमें भी ठीक है तो ये कुछ प्रोविजन हैं जो आपको देखने अगेन ये वेबसाइट से कॉपी किया है तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है डेटा है ऑथेंटिक डेटा है ये कहने का मतलब है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है हमने इंडियन पिनल कोड को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि जो आके अमेंडमेंट आई थी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट टू उसमें भी चाइल्ड uh, प्रोटेक्शन के खास कर रेप वगैरह के रिलेटेड जो बातें एटीन में हुई थी उसको अमेंड किया गया था ठीक है तो हमारे लिए ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट ना एटीन ऑल दो ही एविडेंस एक्ट है जो भी एविडेंसेज uh, होते हैं हमारे किसी भी केस में उसके रिलेटेड बातें इसमें की गई हैं लेकिन इसमें प्रोविजन बच्चों का भी है क्योंकि इसमें बात एक बातें बोला गया है कि टू ऑल पर्सन इसमें सारे लोग इंक्लूडेड है इंक्लूडिंग अ चाइल्ड कि वो भी अगर आप किसी उसको एज अ विटनेस आप पेश करना चाहो आप कर सकते हो कोर्ट में आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये तो बच्चा है इसको हम विटनेस पेश नहीं कर सकते उसको हम एज विटनेस प्रेजेंट कोर्ट में नहीं कर सकते आप ये बात नहीं कह सकते क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ने कहा है कि आप चाइल्ड को भी एज विटनेस प्रेजेंट कर सकते हो ठीक है लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू देम और एबल टू गिव रैशनल आंसर्स टू क्वेश्चंस कि बिल्कुल ही आप दो साल के बच्चे को वहां ले जाओ और वो वहां जाके चौकी चौकी करता रहे कोर्ट में तो फिर उसकी बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा आपको उस बच एज ग्रुप में अगर बच्चा है जहां पे वो क्वेश्चंस को सही से आंसर कर सकता है और क्वेश्चंस को समझने की कैपेबिलिटी रखता है आप उसको एज विटनेस प्रेजेंट कर सकते हो ये बोला गया था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी है हैज बीन अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है जो चाइल्ड आ, के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए बनी थी ये कमेटी द कमिटी इज़ टू बी इन्फॉर्म कोई भी अगर चाइल्ड अब्यूज़ होता है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स पुलिस को इस कमेटी को रिपोर्ट करना होता है क्योंकि जब फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है तो ये अपने कोई जो इंडिविजुअल्स हैं से अपॉइंट करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में प्रेजेंट रहते हैं ठीक है देन अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू सपोर्ट द चाइल्ड एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइको सोशल वेलफींग ऑफ द चाइल्ड वो जो इंडिविजुअल uh, को अपॉइंट करते हैं वो किसी इसी फील्ड का होता है चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई फील्ड होगी उसी का वो बंदा होगा उसको अपॉइंट करोगे फिर पुलिस जो

ठीक है तो बेसिकली ये हैं क्या देर स्पेशलाइज कोर्ट्स जो इस्टेब्लिश किए गए थे ट्रायल प्रोसेस फॉर द केसेस रिलेटेड टू तो सेक्शुअल ऑफेंसेस उनको जल्दी खत्म करने के लिए तो बेसिकली आप देखो हमने डिफरेंट एक्ट में क्या लाया पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रांग की जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट क्रिमिनल वो जो अमेंडमेंट एक्ट था वो भी देख लो या पॉक्सो एक्ट जो था उसमें भी जो चीज़ें आई उसमें क्या हुआ पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो हमारे पास नेचुरली केसेस भी बढ़ गए क्योंकि कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट भी बढ़ गई तो लोग भी बढ़ गए जिन्होंने वो क्राइम किए तो कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस मिलने लगे ठीक है तो उस चीज़ को ताकि ये केस जो है जल्दी हम डिस्पोज ऑफ़ कर सकेंगे विद इन वन ईयर हमें डिस्पोज ऑफ़ करने होते हैं इस वजह से क्या एक प्रोविज़न लाया गया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू दरअसल ये इस्टेब्लिश किया गया हमारे पास फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए ठीक है तो जो एक स्पेशल ये केस हैंडल करते हैं उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ़ करने की कोशिश करते हैं जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2018 में इसमें स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स आ गए इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी एंड रेप फॉर ऑफेंडर्स तो नेचुरली जो केसेस cases... का नंबर था हमारे पास जो केसेस के नंबर्स थे वो भी बढ़ गए ठीक है तो हमारे पास फिर कोर्ट कितनी ज्यादा हैंडल करता इसकी वजह से ताकि वो केसेस जल्दी सॉल्व हो जाए स्पेशल कोर्ट्स लेके आए जिनको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्स स्कीम के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था और इम्प्लीमेंट किया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ठीक है तो ये भी आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है एक सीबीआई ने ऑनलाइन सेटअप किया है ऑनलाइन जो बच्चे के साथ गलत होता है उसके लिए वो केसेस हैंडल करने के लिए ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज के उसको हम बोलते हैं ऑक्से शॉर्ट में दैट इज ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट इसका हेडकॉर्टर कहाँ पे न्यू डेली में ये किसके अंडर फंक्शन करेगा सी के स्पेशल क्राइम जोन के अंडर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपका सी है उसके अंडर ये काम करता है ठीक है द यूनिट्स टेरिटोरियल ड्यूरिस्डिक्शन जो रिस्ड्रिक्शन वुड भी थ्रू आउट द कंट्री तो ये जो काम करेगा ये थ्रू आउट कंट्री काम करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में इंडिया के अंदर कोई स्टेट है यूपी में चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ कहीं पर हो रहा है ऑनलाइन तो ये जो सी बी आई की टीम है ये किसी भी स्टेट में जाके वो केस हैंडल कर सकती है इसी का मतलब होता है इसका जो टेरिटोरियल जो है वो थ्रू आउट द कंट्री है ठीक है किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग तो आई गेस आज आपके पास काफ़ी कंटेंट हो गया है पढ़ने वाला एंड रिवाइज करने वाला हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं नेक्स्ट हमारा फीमेल फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड बचता है और भी शायद और एक टॉपिक तो कोशिश करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो जाए एंड आपका यूनिट थर्ड जो है वो भी कम्प्लीट हो जाए फिर हमारा यूनिट फोर्थ जो है वो स्टार्ट करेंगे सो टिल द टाइम में अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे